अच्छा वाई इंटरसेप्ट क्या है? -6 है, इधर राइटिंग को थोड़ा बड़ा कर दूँ। चलिए ये हो गया -6, जबकि एक्स इंटरसेप्ट 2 है। ठीक हो गया। अब मुझसे क्या फाइंड किया, मुझसे क्या बता रहा है कि क्या आपने फाइंड करना है? इक्वेशन फाइंड करना है ना। तो देखिए ये X1 हो गया, सॉरी। अच्छा अब यहाँ पर देखिए, सॉरी यार ज़रा मैं, अच्छा अब यहाँ पर देखिए y इंटरसेप्ट गिवन है ना, y इंटरसेप्ट। तो अगर y गिवन है तो ये ग्राफिकली असल में हो क्या रहा है? देखिए अगर आप यहाँ पर देखें ना, तो ये ग्राफिकली ये हो रहा है कि y इक्वल टू -6 फॉर एग्जाम्पल, ये y एक्सिस है, इसे -6 है, तो ये पॉइंट यहाँ पर है। अब इसमें जीरो क्या है, एक्स क्या है, एक्स जीरो है और वाई क्या है, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि एक्स हमारे पास जीरो है और वाई -6 है। ऑर्डर पेयर सबसे पहले मैंने बनाने होंगे। ठीक हो गया। सिमिलरली अगर आप इसको देख ले, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि 2 और 0, क्योंकि इस पे एक्स क्या है, एक्स 2 है, वाई 0। इसका क्या मतलब है? देखिए अगर आपके पास इस तरह ग्राफ है और एक्स इक्वल टू 2, तो ये हमारे पास वो पॉइंट होगा ना, एक्स इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 2 यहाँ पर है, तो ये वो पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट पे हमारे पास एक्स क्या है, इसके ऑर्डर पेयर क्या होंगे? देखिए एक्स हमारे पास 2 है और वाई क्या है, 0 है। ठीक है ना। अब या अभी भी याद रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई 2 4 दे दे, ये कुछ दो पॉइंट्स है, आपको कहें कि एक्स को ग्राफ पे ड्रा करो, तो आपने क्या करना होगा? देखिए एक्स एक्सिस पे आपने 2 पॉइंट जाना होगा, ये इधर 2 है फॉर एग्जाम्पल, इधर 4 है, इधर से आपने ऊपर जाना होगा, इधर से निकला बाहर निकलना होगा, ये हमारे पास 2 और 4 ऑर्डर पेयर है, ये वो 2 पॉइंट है। ठीक हो गया। अब देखिए अगर इसके आपने ऑर्डर पेयर बनाई, तो ये X1 हो गया, ये Y1 हो गया, सिमिलरली ये X2 हो गया, ये Y2 हो गया। अब असल में मसला क्या है, अगर Y इंटरसेप्ट गिवन हो ना, अगर आप उसमें वो नहीं कर, सेटिंग नहीं कर सकते अपने रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, तो आप इसको फिर नहीं कर सकेंगे। ठीक है। अब देखिए ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई। अब देखिए मेरे पास इक्वेशन का क्या फार्मूला था, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन हो गया। अब स्लोप मुझे फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करूँगा तो बहुत आसान है। देखिए स्लोप किसके बराबर है, डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, विच इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस माइनस X1। अब इसमें जब मैं वैल्यू पुट करूंगा, देखिए Y2 हमारे पास क्या है, 0 माइनस 6, सो माइनस टू माइनस +6 आएगा डिवाइडेड बाई, अच्छा X2 माइनस X1, X2 हमारे पास क्या है, 2 माइनस 0, तो -2, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, -3 इसका स्लोप आ गया। तो ठीक हो गया, सॉरी यार स्लोप हमारे पास क्या आ गया, -3। अब देखिए ये कौन सा स्लोप है, ये पैरेलल स्लोप है। अब इससे आगे क्वेश्चन में है ना, वो आपसे आपको ये मेंशन कर देता है कि आप मुझे इसका पैरेलल नहीं, बल्कि इफ द पॉइंट आर द स्लोप इस पर कि आप मुझे पर पैरेलल की नहीं बल्कि परपेंडिकुलर की पॉइंट करें, तो परपेंडिकुलर पर आपने क्या करना होगा, इसको अब उल्टा करना होगा 1/3 और विद नेगेटिव साइन करना होगा, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/3, सॉरी, अच्छा फिर परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास 1/3 बन जाए, क्या हो गया, अच्छा किधर चले गए, अच्छा परपेंडिकुलर के हमारे पास क्या रह जाएगा, 1/3। तो अगर आप इस तरह समझ चुके हैं, तो आप उस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर इसकी जरूरत नहीं है, बस हमारे पास सिर्फ सिर्फ स्लोप होना चाहिए। ठीक है। अब यहां पर देखें, ये मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, चले इस तरह मैं कर लूँगा। ठीक हो गया। अच्छा X1 भी है, Y1 भी है, X2 भी है, Y2 भी है, इस इक्वेशन में आप पुटिंग कर ले, किधर है ये वाला स्लोप भी आ गया, इसमें आप पुटिंग कर ले, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, बहुत आसान है, आप देख ले पुटिंग कर ले, आपके पास आपका आंसर आ गया। अगर नहीं आया तो फिर आप बता सकते हैं, मैं अगली वीडियो में कर लूँगा। अच्छा अब इसके आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 के बाद देखिए, अब पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल। अब देखिए मैंने जिस तरह आपको बताया ना पैरेलल, अब ये देखिए पासिंग थ्रू इस, ये क्वेश्चन मैं कर लूँगा, इसमें एक पॉइंट, अच्छा अभी टाइम अच्छा है, अच्छा ये क्वेश्चन मैं करूँगा, 5 माइनस 1 पॉइंट गिवन है, देखिए कौन सा पॉइंट है, एक है 5, एक है -1, और इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 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 हमारे पास क्या है, देखिए एक बार इक्वेशन देख लूँ, इक्वेशन है कि 2x + 5y = 15। ठीक हो गया, 2x + 5y = 15। अब देखिए मुझे पता है कि x1 और y1 तो मुझे गिवन है, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर मैं इक्वेशन का फार्मूला यूज़ करूँगा, तो y माइनस y1 होगा इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 होगा।
वाई वन भी मेरे पास है, ये देखिए एक्स वन भी है मेरे पास। जो मसला बना रहता है वो क्या बना रहता है, एक्स बना एम बना रहता है स्लोप। अब स्लोप के लिए मेरे पास इक्वेशन गिवन है, ये भी याद रखिएगा कि मैं इक्वेशन से स्लोप फाइंड कर सकता हूँ। देखिए अगर आपको, चले मैं इधर रफ वर्क कर लेता हूँ, चले आप यहाँ देख ले, ये मैं रफ वर्क कर रहा हूँ ना। अगर आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ये हमारे पास क्या है, देखिए वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये c भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। उसकी वजह क्या है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट में क्वेश्चन करेंगे, वहां मैं आपको बेहतर तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। हर एक चीज़ की समझने के लिए एक टाइम होता है, एक वक्त होता है, उस वक्त से पहले आप उसको नहीं समझते, ठीक है। अच्छा अब अगर इस इक्वेशन को मैं इस तरह, इस इक्वेशन का मैं सेटिंग इस तरह कर लूँ कि इस इक्वेशन की सेटिंग में इस तरह कर लूँ, तो मैं यहाँ से स्लोप फाइंड कर सकता हूँ कंपैरिजन से। किस तरह, देखिए y इक्वल टू मैं इसमें इस तरह की सेटिंग करूँगा इस इक्वेशन में कि मुझे y इक्वल टू मेरे पास इस तरह का फॉर्म बन जाए। तो देखिए फाइव फाइव को मैंने इस साइड पे कर लिया, 15 माइनस 2x, ठीक हो गया। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, माइनस 2x प्लस 15 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अच्छा अब देखिए फाइव फाइव है, अब मैं इसको 5 से डिवाइड भी करूंगा, इसको भी 5 पे डिवाइड करूंगा, ये इसके साथ कट गया। y इक्वल टू देखिए माइनस 2 बाई 5 प्लस ये x हो गया, अच्छा प्लस 15, 15 बाई 5 तो 5 5 3 15, ये मेरे पास, मैं अब बहुत नज़दीक पहुंच गया हूँ किसके, स्लोप के। देखिए यहाँ पर x का कोफिशियंट क्या है, m है ना, तो अगर आप इस इक्वेशन में x का कोफिशियंट फाइंड करेंगे, लगे देखिए ना y इक्वल टू, वाई इक्वल टू मैं इसके फॉर्म की तरह बनाऊंगा, अपने इक्वेशन को इस तरह बनाऊंगा, तो वाई इक्वल टू, वाई इक्वल टू एम एक्स, तो देखिए एम एक्स प्लस 3, सी इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट भी आ गया। ये जो मेरे पास इधर एक्स के साथ बन गया, ये मेरे पास क्या था, ये मेरे पास स्लोप है ना, माइनस 2 बाई 3। अब अगेन सुन ले कि मैं अपनी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को इस फॉर्म की तरह बनाऊंगा। अगर मैं अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म की तरह बना गया, तो याद रखिएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ जब मैं इसकी कंपेरिजन करूंगा, तो देखिए x के साथ जो कोफिशियंट है वो क्या है, m है ना, तो मैं जब यहां पर कंपेरिजन कर लेता हूं, तो देखिए x के साथ जो कोफिशियंट है वो क्या है, माइनस 2 बाई 3, तो माइनस 2 बाई 5, तो माइनस 2 बाई 5 क्या हुआ, m हुआ ना, तो मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे पास क्या आ गया, m आ गया। अब सिंपली वही फार्मूला है कि किधर है कि y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इन, यार ये क्या मसला है, चले मैं, अच्छा यहाँ पर देखिए इस फार्मूले की, मैं यहाँ देखिए सिंपल वही फार्मूले कि y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब देखिए y1 और x1 तो ऑलरेडी मेरे पास थे, ये तो मेरे पास सिर्फ स्लोप का मसला था। देखिए किधर है, ये देखिए ये है 5 और माइनस 1, तो यह यहाँ पर मैं इसमें फुटिंग करूँगा, किधर गया, अच्छा 5, अच्छा ये मैं नीचे आ जाऊँ थोड़ा, देखिए एक था पॉइंट क्या था 5 और साथ में माइनस 1 था, तो ये एक्स 1 था, ये वाई 1 था, और स्लोप भी मैंने फाइंड कर लिया, वो क्या था, माइनस 2 बाई 3। अब देखिए वाई माइनस वाई 1 हमारे पास क्या है, माइनस 1 है, तो प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू एम हमारे पास माइनस 2 बाई 3, और एक्स हमारे पास एक्स ही है, माइनस एक्स 1 क्या है, एक्स 1 5 है, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, देखिए आसान सा तरीका है कि मैं इसमें सेटिंग करूँगा, देखिए ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 2 बाई 3 एक्स माइनस टू माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और 5 2 10 बाई, ये 5 है, 5 5 1 5, 5 2 10, तो हो जाएगा माइनस 2 बाई 3 प्लस 2 हो जाएगा। अब ये 2, ये प्लस, ये y प्लस 1 है, y प्लस 1 है, इस y प्लस 1 को जब मैं उधर ले जाऊंगा तो माइनस 1 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 से क्या आएगा, 2 माइनस 1 से क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो देखिए इसके साथ x ही है, ठीक है, x में से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, अच्छा माइनस 2 बाई 3 एक्स प्लस 1 y इक्वल।